लालू यादव परिवार को आज लैंड फॉर जॉब के मामले में दिल्ली कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। आज दिल्ली की राव चिवनी कोर्ट में सुबह लालू परिवार की पेशी हुई। जानकारी के मुताबिक जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में राव चिवनी कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव समेत 8 आरोपियों को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है। बता दें कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1,00,000 के निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को पासपोर्ट जमा कराने का भी आदेश दिया है। उस दौरान सभी आरोपियों को भारत में ही रहना होगा और इस मामले में अब अगली सुनवाई 25 अक्टूबर को होगी। दरअसल लैंड फॉर जॉब मामले में सभी आरोपियों की ओर से जमानत की अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट को जानकारी दी गई कि समन तामील करते हुए सभी आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। जमानत मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और उनका मानना है कि इस मामले में सही फैसला होगा। और क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप भी सुनिए। ये केसेस किए गए जी, हम लोगों को न्यायालय में पूरा न्यायालय में दिया है और ये पूरी तरीके से जो है राजनीतिक साजिश षड्यंत्र जो है वो बार बार ये लोग करते रहते हैं। अरे डोंट पुश माय, और जितने एजेंसी हैं उनका दुरुपयोग करते हैं, क्योंकि कहीं भी इस केस में मुकदमे में दम नहीं है और हम लोगों की जीत है। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये लैंड फॉर जॉब मामला क्या है, जिसमें लालू तेजस्वी समेत करीब 9 लोगों को जमानत मिली है। दरअसल लालू प्रसाद यादव पर आरोप है कि उन्होंने 2004 से 2009 तक रेल मंत्री रहते हुए नियमों को ताक पर रखकर ग्रुप डी में लोगों को नौकरी देकर उनकी जमीन अपने नाम लिखवा ली थी। कई लोगों ने सामने आकर अपने बयान के जरिए इस बात की तस्दीक की है कि तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव ने उनकी जमीन लेकर उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में नौकरी दी थी। इस मामले में 30 आरोपी शामिल हैं। सीबीआई ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों के खिलाफ भी जांच की अर्जी लगाई है। जल्दी मंजूरी मिलने की उम्मीद है। बता दें कि इससे पहले 18 सितंबर को पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव, पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव सहित अन्य आरोपियों को समन जारी किया गया था। जांच एजेंसी ने राव चिवेनी कोर्ट में मंजूरी की कॉपी जमा करा दी है। अब इस मामले में लालू प्रसाद यादव परिवार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। फिलहाल इस मामले में लालू यादव परिवार को तो जमानत मिल गई है, लेकिन इस मामले में शामिल अन्य आरोपी की जांच के लिए सीबीआई ने अर्जी दी है, जिसकी मंजूरी मिलने के बाद दोबारा से जांच शुरू की जाएगी। और अब किसका नाम इसमें शामिल आता है ये तो आगे की कार्रवाई में ही पता चल पाएगा।